उस दिन पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेटी की पोयम पढ़ी थी बराबर, और वर्कबुक में से मैंने सब आपको समझा दिया था कि तरह से क्वेश्चन आंसर करो वो सब करते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेट में हम लोगों ने भाषा शब्द का लिखा था ग्रामर की बुक में, ठीक है, ग्रामर और कंपोजिशन की बुक में। तो उसी में वो बुक आपकी खाली होगी अभी बराबर, तो उसी में आपको जो है व्याकरण कंटिन्यू करना है, उसमें खाली एक पेज फोल्ड करके और उसमें ग्रामर जो है सेकंड सेमेस्टर ऐसा लिख देना है, ठीक है। अब फर्स्ट लेसन में जहां जहां जिस जिस लेसन में भाषा से जितना लिखा हुआ आएगा वही आपकी ग्रामर है, ठीक है, वो आपको मैं वीडियो के साथ में समझाती जाऊंगी और उस हिसाब से आपको करते जाना है, ठीक है। तो ये आपका सब इसमें आ जाएगा, भाषा सज्जता टेगा पेज नंबर 3, चैप्टर 1 पेज नंबर 3 भाषा सज्जता सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। देखो अब इसमें अपने को आज संज्ञा और सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, शॉर्ट में पढ़े थे, लेकिन अब जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सेकंड सेट में थर्ड नंबर में आया है विशेषण, है ना, इंग्लिश में पढ़ा है अपना एडजेक्टिव, ठीक है ना, उसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़े हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े बहुत सारे, तो वही जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है इस वाले वीडियो में। पहला है विशेषण की जो है डेफिनेशन होती है, जो इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने की जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो विशेषण होते हैं, वो शब्द विशेषण होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको जो है विशेषण कहा जाता है। संज्ञा शब्द जो होते हैं किसी का नाम ये है बराबर है, जिस किसी के बदले में हम यूज करते हैं वो सर्वनाम होता है, तो वो जो है शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। किसी भी चीज की वस्तु स्थान गुण सबकी विशेषता हो रही है, संख्या की विशेषता आ रही है, वो सबको विशेषण कहा जाता है। तो इसके पहले आपको विशेषण की डेफिनेशन आएगी, तो वो आपको डेफिनेशन लिखना है। देखो पेज नंबर 4 पर, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की जो भी नया शब्द विशेषता बताए, उसके आगे लिखा हुआ शब्द विशेषता बताए, उसको विशेषण कहा जाता है। जैसे केशा साहसी बालिका थी बराबर है, तो केशा नाउन है, संज्ञा है, ठीक है ना, बालिका संज्ञा है, अब इनकी क्या विशेषता हो रही है, वो बालिका है, तो कैसी बालिका है, साहसी बालिका है, तो साहसी आपका क्या हो गया, विशेषण, ठीक है, इस तरीके से करना है। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, है ना, बगीचा और फूल जो है संज्ञा है, फूल कैसे है, सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ, विशेषण, इस तरह से आपको समझना है। फिर भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो 3 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पढ़े ना आपने, उसी टाइप से है, बाल्टी में थोड़ा पानी है, इसमें निश्चित नहीं है कितना है और निश्चयवाचक है, वह आदमी जा रहा था, ये वह जो है सर्वनाम है, संज्ञा नाम के बदले में हमने सर्वनाम लिखा है वह, है ना, तो इसकी विशेषता है, आदमी की विशेषता है कि वह है, तो ये आता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ विशेषण है, एडजेक्टिव है इसके अंदर, तो आपको उसी तरह से इसमें पढ़ना है। अब पहला देखो उदाहरण है, हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है ना, लोगों की क्या विशेषता बताई है कि वो ईमानदार है, ठीक है, तो इसमें ईमानदार विशेषण हुआ। फिर मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, रास्ता कैसा है, लंबा है, तो रास्ते की विशेषता क्या हुई, लंबा। कौवे का रंग काला होता है, रंग कैसा है, काला, कौवे की विशेषता। कौवे का खरगोश का शरीर मुलायम होता है, शरीर कैसा है, मुलायम, तो मुलायम विशेषण। शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखना जरूरी है, मन कैसा है, स्वस्थ, तो स्वस्थ क्या हुआ, मन की विशेषता हो गई, है ना, तो स्वस्थ क्या हुआ, विशेषण। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, भारत की संस्कृति कैसी है, कौन सी संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, भारत की, है ना, तो भारतीय संस्कृति, भारतीय शब्द क्या हुआ, विशेषण। फिर पानी गंधहीन होता है, पानी की विशेषता हुई कि वो ऑर्डरलेस होता है ना, उसकी कोई गंध नहीं होती है, सुगंध नहीं आती उसकी, तो गंधहीन पानी की विशेषता है, इसलिए गंधहीन शब्द जो है वो क्या हुआ, विशेषण। फिर पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, दिशा की विशेषता है कि वो पूर्व दिशा है ना, तो ये हो पूर्व जो है वो विशेषण हुआ। तो ये सब जो है विशेषण को ये कर रहे हैं, तो ये सब इनकी सबकी विशेषता बताई गई है कि उनके गुण बताए गए हैं कि ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व, ये सब उनके गुण बताए हैं किसी भी चीज के, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी जगह के, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फर्स्ट नंबर का आपका आया गुणवाचक विशेषण, ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दयावस्था, स्थान, देश का, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला समय, अब आपको सेकंड में गुणवाचक विशेषण सिलेक्ट करके लिखना है। वरदराज चतुर बालक था, अब वरदराज की विशेषता है, गुण है उसका चतुर,
चतुर्था होते, चतुर में अंडरलाइन करना है। फिर फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, गुलाब के फूलों की विशेषता पीले। मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तीखा। फिर शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, पंजाबी सफेद कपड़ों में दाग दिखते हैं सफेद, है ना। तो ये गुणवाचक, सभी चीजों के गुण बताए हैं इसलिए गुणवाचक विशेषण है। समझ में आया? तो ये सब जो है आपको देखो बैकेट में भी दिया हुआ है, कौन कौन से गुण होते हैं, किस कैसे गुण हमको पता चलते हैं, किन किन चीजों के गुण पता चलते हैं। ये ऊपर का आकार भी हमको पता चलता है, वो भी गुण होता है वस्तु का, जैसे चौड़ा है ना, फिर गोल, वो वस्तु गोल का आकार गोल है तो ये वस्तु का गुण है कि वो गोल है, ठीक है। पतला छोटा, ये सब जो है गुण है उसके, ये सब आता है। रंग रूप आता है, सफेद काला पीला, ये सब रंग रूप। स्पर्श कोमल कठोर, ये भी विशेषण होते हैं, स्पर्श से पता चलता है। कोई चीज को हम छूते हैं तो हमको स्पर्श करने से पता चलता है कि ये भी कोमल है कि कठोर है, कड़क है ना, तो ये कड़क है उसका विशेषण हुआ। फिर दशा अवस्था, वो स्वस्थ है, कमजोर है, बीमार, दुर्बल, ये सब उसकी विशेषता है व्यक्ति की। फिर स्थान देश का, ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, है ना, ये सब स्थान हुआ, जगह की विशेषता। स्वाद गंध, खट्टा मीठा, ये सब विशेषण है, ठीक है ना, वस्तु की विशेषता। फिर दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब दिशा की विशेषता होती है। तो ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इतने सारे ये सब आते हैं। तो ये भी आपको लिखना है, ये तो लिखना ही है, ये सब भी लिखना है उसके अंदर। अब सेकेंड आपको है निश्चित वाचक विशेषण, निश्चित हो जिसमें डेफिनेट हो और ये इनडेफिनेट हो, दोनों के बारे में है। जैसे डेफिनेट है, कोई भी चीज के बारे में हम बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो ऐसा है ही, ठीक है ना। जिसमें डाउट होता है वो अनिश्चित, और जो बिल्कुल फिक्स है, डेफिनेट है, उसको निश्चित। जैसे प्रयाग तीन नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, तो वो है ही, वो कोई दूसरी नदियां उसमें नहीं आती, गंगा यमुना सरस्वती ही आती है, ये अटल सत्य है, इसलिए इसको बोलते हैं निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। समझ आया? ये आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, तो जिस दिन चाहिए है आधा ही लीटर चाहिए, ये निश्चित है, इसलिए वहां पे आधा क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वो तीसरी में ही है, चौथी में नहीं है, तो ये भी निश्चित है। फिर सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुका है ना, तो लगाए ही है उसने, ये भी निश्चित है। हमारे देश में चारों दिशाएं हैं, तो चारों दिशाएं चार ही होती हैं, तो ये भी निश्चित है। तो ये सब क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आ गया समझ में? संख्या निश्चित हो इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर कई लोग नर्मदा की पानी, जिसमें अनिश्चित हो उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, कोई निश्चित नहीं है। जैसे कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, कितने लोग करते हैं ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाया, अनिश्चित वाचक संख्या, ठीक है। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीजा उठाया, कुछ, तो कुछ क्या है, कोई निश्चित नहीं है कितने बच्चे हैं, ठीक है। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई, ज्यादा, तो ज्यादा क्या हुआ, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं कितने लोग थे, तो कुछ ज्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है, ये शब्द जो है अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। अब निश्चित में कुछ ऐसा भी होता है, निश्चित संख्यावाचक आपने पढ़ा ना कि फिक्स होता है उसका, इसमें एक दो नौ हजार ये सब निश्चित है, आधा पाव पौना डेढ़ ये भी निश्चित है ना, मुझे आधा लीटर दूध चाहिए, है ना, मुझे पाव भर सब्जी चाहिए, है ना। ये क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जैसे मेरा क्लास में पहला नंबर आया तो पहला आया, ये फिक्स है, निश्चित संख्यावाचक। ये आकृतिवाचक, दुगना चौगना ई गहरा, है ना, ये भी फिक्स है। फिर समूहवाचक, दोनों तीनों, बराबर है, जैसे त्रिकोण में तीनों भुजाएं होती हैं तो तीनों निश्चित है कि ट्रायंगल में तीन होते हैं, है ना, इसलिए इसमें ये सब आते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित विशेषण को छांट के लिखना है, जैसे कई, थोड़ा, कुछ, ज्यादा, बहुत, ये सब क्या है, अनिश्चित वाचक, और बाकी सब है निश्चित वाचक। आ गया सब में? तो यहाँ पे आके हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म होता है, आपका वीडियो। अब ये भाषा सज्जता का सेकेंड वीडियो है, ये आपको बता दिया है मैंने किस तरह से लिखना है, और यहाँ पे जो है लेसन भी खत्म हो जाएगा, है ना, इसकी पीडीएफ आएगी, लेसन भी खत्म है। प्रोजेक्ट में आपको ये देखो, प्रोजेक्ट कार्य, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियों के बारे में लिखना है, तो आपको मैंने पांच या छह बताई है ना, लिखा था प्रोजेक्ट उसमें, तो उसमें छह के बारे में आपको लिखना है, तो वो नहीं मिलता है तो वर्कबुक में जितने हैं उतने भी आप लिख सकते हैं, खाली उनके कलर फोटो चिपकाने, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको
ये कंप्लीट करना है और फिर से वापस बता दो सेवन में आपके पास सर्कुलर आया है हार्दिक सर का कि एक लेसन कंप्लीट होगा आपका टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। तो वर्कबुक में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको एक पीडीएफ आएगी उसमें क्वेश्चन पेपर आएगा, तो क्वेश्चन पेपर आपको एक सप्लीमेंट्री में लिख के रखना है। तो जब तीन चार लेसन के टेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको हार्दिक सर जो है मैसेज देंगे, तब आपको वो पेपर लेकर आना है चेक करवाने के लिए। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। हो गया? तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। सबको समझ में आ गया होगा, सब लोग अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना बराबर है। और थोड़ा हार्ड है हमारा सेकंड सेम, तो पोयम वगैरह भी हार्ड ही हुए, तो पोयम भी आपको जो है वो उस हिसाब से पेपर पे लिख ले आती है, तो आपको पेपर लिखना है बराबर है ना। कभी स्कूल चालू हो गया तो आपकी एग्जाम भी होगी, फिर वैसे भी एग्जाम तो होगी, तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। भले फर्स्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट सेम की बुक और सेकंड सेम की जो है आपका जब रिजल्ट बनेगा तब आपको कंप्लीट पूरा सब चीजें मकान वाले, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रख के सब कुछ करना है। फर्स्ट सेम की वर्क बुक आपकी संभाल के रखना है हर सब्जेक्ट की, समझ में आए। एक बच बना दो, उसमें फर्स्ट सेम कम्प्लीट हो गया है, फर्स्ट सेम का पूरा मटेरियल उसके अंदर रख दो, ठीक है। प्रोजेक्ट बुक भी हर सब्जेक्ट की, इस तरह से आपको सब कुछ अलग करके रख देना है। सेकंड सेम की सबके पास है, सेकंड सेम में जैसे जैसे आपको लिखवाती रहेंगे, हिंदी की तो अलग ही है, सारे सब्जेक्ट की व्याख्या से अलग ही है, मैथ्स की शायद कम्बाइंड होगी अलग है पता नहीं है, तो उस हिसाब से आपको करना है और बिल्कुल कम्प्लीट करके सब कुछ रखना है। बिल्कुल कम्प्लीट करके हो सकता है कि दो तीन लेसन हो फिर आपको करेक्शन के लिए मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका पूरा सबके ऊपर जैसे आपने देखा था कि सबका हिसाब मिला के आपको जो है सारे मार्क्स उसमें सब पूरा सर्कुलर में आया है लिखा हुआ कि जितने भी मार्क्स आपको इसमें मिल रहे हैं वो सब आपका आपके मार्क्स ऐड होंगे एग्जाम में, ठीक है ना, जब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा तब। तो ये इस तरीके से तो सब चीजें कंप्लीट होंगी तभी मार्क्स मिलेंगे ना। प्रोजेक्ट के मार्क्स है, आपके वर्कबुक के मार्क्स हैं, इसके मार्क्स हैं, पहले जो टेस्ट हुआ था वो वाले मार्क्स हैं, तो ये सारे मार्क्स आपके ऐड होने वाले हैं उसके अंदर। जैसे आपके पहले रेगुलर होते थे स्कूल चालू था तब उसी तरह से होंगे, और फाइनल रिजल्ट आपका उसी हिसाब से बनेगा, और आपको जो है वो अगली क्लास में आप उसी हिसाब से जाओगे जिस हिसाब से लिखोगे,